हेलो एवरीवन, दिस इज मन मोहन तिवारी एंड इट्स योर चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया। हर एक दिन म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। वाकई में आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक और शेयर करना ना भूलो। देखो आज के वीडियो में क्या विश्लेषण होगा। आज है संडे और संडे के दिन कमेंट बॉक्स से कुछ एक क्वेरी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं व्यूअर्स को कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एमएफ सेंटर के एक वेबसाइट के बारे में आपको बताया था। बहुत ऐसे व्यूअर हैं जो काफी खुश हुए थे, लेकिन कुछ एक व्यूअर हैं जिनके साइट से ये कमेंट आया कि आप यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वीडियो कर रहे हो। इट मीन्स कि आप इस वेबसाइट का मार्केटिंग कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो और इसके लिए आपको यहाँ पे मोटा अमाउंट मिला होगा। देखो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आज तक मैंने कोई भी स्पॉन्सर वीडियो पब्लिश नहीं किया है और ना ही किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट किया है। जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी टूल्स, जो भी टेक्निक्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा। और मैं आपको आज के दिन गारंटी भी देता हूँ कि कभी भी अपने फ़ायदे के लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने नहीं रखूँगा जिससे आपको कभी नुकसान हो। देखो मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत ऐसे मेल हैं जो यहाँ प्रमोशंस के लिए आते हैं, स्पॉन्सरशिप्स के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं करता हूँ, कोई भी स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो यहाँ पे पब्लिश नहीं करता हूँ। देखो जो मेरा प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट जाके मैं कभी भी यहाँ पे वीडियो पब्लिश नहीं करूंगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेरी की बात करें तो यहाँ पे अमित कुमार जी के साइड से है। ये बोल रहे हैं सर SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ में लमसम स्टार्ट हो गया है क्या? देखिए अभी तक तो लमसम स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने चेक किया है, लेकिन ये चीज़ है एग्जैक्टली जो लिमिट 5000 का था वो आपको अब यहाँ पे 25000 का देखने को मिलेगा। जो SIP का लिमिट यहाँ पे 5000 का था, अब आपको SIP का लिमिट यहाँ पे 25000 के करीब में देखने को मिलेगा। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे लमसम करना चाहते हो और 25000 तक लमसम करना चाहते हो तो आप एज ए SIP के तौर में इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए दूसरे क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेरी है वो कपिल जी का है। ये पूछे हैं तिवारी जी प्लीज रिव्यू माय फंड इफ इट ओवरलैपिंग हाउ मच रिटर्न एक्सपेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म एज 15-20 ईयर्स ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट फंड्स पराग पारिक फ्लैक्सी के फंड यहाँ पे एक्सिस स्मॉल के फंड है क्वांटेक्स प्लान है ऑल SIP 1K ईच एवरी मंथ एंड इंक्रीज 10% ईयरली माई एज इज 33 ईयर रिस्क कैपेसिटी हाइज प्लीज रिव्यू। जो कपिल जी का यहाँ पे दो क्वेरी है, सबसे पहले ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, दूसरा इनका क्वेरी है कि 15 और 20 साल में कितना रिटर्न हो जाएगा, और लास्ट में ये बोल रहे हैं कि रिव्यू भी करना है। सबसे पहले अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं दूसरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा मैच करता हो। इट मीन्स कि ओवरलैप का परसेंटेज यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, 10% 11% का ओवरलैप देखने को मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक 20-25% से ऊपर ना हो हमें यहां पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप हाई रिस्क ले सकते हो, एग्जैक्टली आपके पोर्टफोलियो में यहां पे बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, तो मैं रिस्क के मामले में आपके पोर्टफोलियो को यहां पे अमेंड नहीं करूंगा। दूसरा जो आपका क्वेरी है कि 15 और 20 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है, और अगर आप यहाँ पे हर साल 10% अपना जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो उसको इंक्रीज कर रहे हो तो कितना रिटर्न मिल सकता है। वो आपका यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हर एक म्यूचुअल फंड में 1000 के करीब में है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 4000 के करीब में हुआ। इस 4000 का जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसमें आप हर साल 10% का चेंजेस करोगे, इट मीन 10% आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज करोगे। अगर हम 15 साल का कैलकुलेशन करते हैं कि 15 साल में एग्जैक्टली आपका यहाँ पे टोटल फंड का साइज कितना होगा, तो आप देख सकते हो जो मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 4000 है। ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो हर साल आप 10% इसमें ऐड करोगे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 14.5% लिया हूँ। देखो जो टोटल फंड है आपका अगर देखें लॉन्ग ड्यूरेशन में जो ऑन द एवरेज आपको रिटर्न मिल सकता है यहाँ पे 14-16% के बीच में मिल सकता है, हम यहाँ पे सबसे कम लेते हैं 14.5% लेते हैं। यहाँ पे 15 ईयर का 10 ईयर लेते हैं जो आपको यहाँ पे टोटल फंड का साइज देखने को मिलेगा 41 लाख के करीब में देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 15-16 लाख होगा और 26 लाख के करीब में यहाँ पे आपको गेन देखने को मिलेगा। यही अगर आपका 20 साल का स्ट्रक्चर हो, 20 साल का आप ड्यूरेशन लेके चल रहे हो,
तो यही फंड का साइज आपका ऑलमोस्ट 99 लाख के करीब में हो जाएगा, और जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 27 से 28 लाख के करीब में, और टोटल वेल्थ गेन जो होगा आपका 71 लाख के करीब में। तो आप समझ सकते हो, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ 15 साल तक चलते हो तो आपका जो फंड का साइज होगा 41 लाख के करीब में, और सिर्फ 5 साल बढ़ जाओगे, सिर्फ 5 साल और ऐड कर दोगे तो आपके फंड का साइज यहाँ पे 99 लाख इट मीन्स 1 करोड़ के करीब में देखने को मिलेगा। देखो मैंने ये भी चेक कर लिया कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कहीं वीक परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी बेहतरीन फंड है, पराग परिक फ्लेक्सी के फंड बेहतरीन फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप भी अपने कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और क्वांट टैक्स प्लान एग्जैक्टली ईएलएसएस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर ये म्यूचुअल फंड बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। तो कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसका परफॉर्मेंस काफी वीक हो। और कुल मिलाकर जो आपका यहां पे क्वेरी था कि 15 और 20 साल में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आपको यहां पे देखने को मिल गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। अगला क्वेरी यहां पे विनोद कुमार जी का है, ये पूछ रहे हाउ डिफरेंट विल बी देन विथ ऑफ ग्रो ऐप। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले मैं एमएफ सेंटर का एक वेबसाइट के बारे में आपको बताया था। बहुत ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने ये एडवाइस किया था, ये पूछा था कि ग्रो ऐप से कैसे डिफरेंट है। देखो ग्रो ऐप, पेटीएम मनी, ईटी मनी, ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्जैक्टली बहुत ही बेहतर फीचर्स के साथ है। देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट ऐप के साथ कर रहे हो आप एमएफ सेंटर के वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाओ, नहीं। देखो ग्रो ऐप में क्या आप ये देख सकते हो कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से किए हो तो उसका टोटल ट्रांजैक्शन डिटेल ग्रो ऐप में आपको देखने को मिले। मान लो आपने यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एसबीआई और एचडीएफसी। आपने 3 म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है एएमसी के वेबसाइट पे जाके, क्या वो ट्रांजैक्शन, क्या वो पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट आपको ग्रो ऐप में देखने को मिलेगा? जी नहीं, नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो एमएफ सेंटर है वहाँ से आप कोई भी इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट किए हो एग्जैक्टली डीमेट अकाउंट के थ्रू, कोई ऐसे म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू, या कोई म्यूचुअल फंड वेबसाइट के थ्रू, या फिर कोई आप ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट क्यों ना किए हो, आपको सारा डिटेल वहां देखने को मिलेगा, सारा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे एमएफ सेंटर के थ्रू आप बहुत कुछ इजीली चेंज कर सकते हो, जैसे कि नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना बैंक डिटेल बहुत ही इजी वे में चेंज कर सकते हो। जबकि मैंने देखा है बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड ऐप हैं जिसके थ्रू अगर आप चेंज करते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और मैं व्यूअर्स और इन्वेस्टर को ये भी बता दूं कि ये फर्स्ट फेज में वेबसाइट लॉन्च हुआ है, अभी सेकेंड और थर्ड फेज बाकी है। सेकेंड और थर्ड फेज में आपकी अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, कोई रिडीम करना हो, तो सेकेंड और थर्ड फेज में आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर 31 तक आपको सेकेंड और थर्ड फेज भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही साथ मैप सेंटर का आपको एक ऐप भी यहां पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेरी यहां पे अशोक जी के साइड से, ये पूछे गुड मॉर्निंग सर, माय पोर्टफोलियो इज मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप, टाइम ड्यूरेशन इज 15 इयर्स, क्या और एक लार्ज कैप ऐड करना जरूरी है, और कंटिन्यू दिस पोर्टफोलियो प्लीज सर हेल्प मी। देखिए अशोक जी, आप जो बोल रहे हो, देखो मैं रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ पे एग्जैक्टली अपने रिस्क प्रोफाइल के बारे में नहीं डिस्कस किया है। आपका जो क्वेरी है एग्जैक्टली कि क्या एक लार्ज कैप ऐड करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोई लार्ज कैप आप ऐड ना करो, क्योंकि देखो मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो है इसमें लार्ज कैप का परसेंटेज है, और अगर आप कोई लार्ज कैप फंड रखोगे तो आपका जो ना ओवरलैपिंग परसेंटेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई होगा मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के साथ जो भी लार्ज कैप रखोगे। तो ऐसे में मैं आपको यही बोलूंगा कि कोई भी लार्ज कैप फंड ऐड करने का जरूरत नहीं है। हाँ, फ्यूचर में कभी अगर आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट करना हो, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का बहुत ही लिमिटेशन है मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में, तो आप इस फंड को वहीं पे स्टॉप करके, इट मीन्स SIP वहाँ पे स्टॉप करके दूसरे म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप आपको लेना हो उसमें SIP स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फॉर टाइम बिंग जो आपका भी पोर्टफोलियो है एग्जैक्टली आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, कोई भी लार्ज कैप यहाँ पे ऐड करने का जरूरत नहीं है। अगला क्वेरी यहाँ पे अनीता जी का है, ये पूछ रही हैं सर मेरे पोर्टफोलियो में टाटा डिजिटल,
अनुराग परिक फ्लैक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस फोकस्ड फंड एंड आदित्य बिरला लो ड्यूरेशन फंड है। अभी मैं 15,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और मंथली 5,000 रुपीज़ ऐड करती हूँ। प्लीज़ सर, पोर्टफोलियो सही है या किसी फंड को आउट करना है? सबसे पहले, जो भी आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है बहुत ही बेहतर फंड है, लेकिन कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप एक्सिस फोकस्ड फंड को भी यहाँ पे सेलेक्ट किए हो और एक्सिस ब्लू चिप फंड को भी सेलेक्ट किए हो। एक्सिस फोकस्ड फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड में पोर्टफोलियो ओवरलैप ऑलमोस्ट 60% के करीब में है, बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है। मैंने एक बार एक्सिस फोकस्ड फंड के बारे में बताया था कि इस फंड के साथ अगर कोई भी लार्ज के फंड ऐड करते हो एग्जैक्टली पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना चाहिए, क्योंकि चांसेस बनता है कि पोर्टफोलियो ओवरलैप हो। तो ऐसे में मैं एक्सिस फोकस्ड फंड को यहाँ पे बोलूँगा कि आप इस म्यूचुअल फंड को बाहर कर सकते हो, और बाकी सारे जो फंड है एग्जैक्टली जैसे टाटा डिजिटल फंड की बात करें, एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करें, पराग परिक फ्लैक्सी के फंड की बात करें, आदित्य बिरला लो ड्यूरेशन फंड की बात करें, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। सारे फंड बेहतरीन है, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में आए, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।